हेलो गाइस। सो यार टुडे इज 22 सितंबर और क्या सारा सीन है यार सेंट्रल यूनिवर्सिटियों का। किसका किसका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ है, किसका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट नहीं हुआ है, सब क्या है डिटेल के अंदर एनालिसिस करने वाले हैं। तो देखते रहिए आज का एनालिसिस, सी यू टी एनालिसिस। ओके सो यहाँ पे अपन जाएंगे यूनिवर्सिटी, यहाँ जो लिखा हुआ है इस पर जैसे आप क्लिक करोगे तो आपको जो है सारी की सारी यूनिवर्सिटियों की लिस्ट मिल जाती है। तो प्यारे बच्चों देख सकते हो ये कि यूनिवर्सिटी या सी यू टी इनका एनालिसिस करने वाले हैं कि किसके किसके रजिस्ट्रेशन अभी चल रहे हैं और किसके कंप्लीट होने वाले हैं। इसके साथ ही सी यू टी यूजीसी से रिलेटेड एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक नीचे दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। साथ में ही अगर आपको सी यू टी एडमिशन प्लान अगर आप लेना है, अगर आप सच में सीरियस है टू गेट द एडमिशन इन सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉलेजेस, देन गेट द सब्सक्रिप्शन प्लान। इंडिया के अंदर सबसे बेस्ट लोएस्ट प्राइस के ऊपर सी यू टी की काउंसलिंग हम प्रोवाइड कर रहे हैं। तो नीचे आ रहे गूगल फॉर्म दिया गया, उसको आप फिल कर सकते हो। एक व्हाट्सएप ग्रुप भी दिया गया, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो यूजी के रिगार्डिंग। उसके बाद हमारा कॉलेज आता है यार विश्व भारती यूनिवर्सिटी, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है, यूनिवर्सिटी ऑफ अलाहाबाद की तरफ से कोई अपडेट नहीं है, त्रिपुरा यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है, द इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है, तेजपुर के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है, सिक्किम के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है, श्री लाल बहादुर शास्त्री की तरफ से अपडेट नहीं है, राजीव गांधी के स्टार्ट, जो भी पांडिचेरी के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है, नॉर्थ हिल ईस्ट यूनिवर्सिटी स्टार्ट है, संस्कृत के स्टार्ट, नागालैंड के भी स्टार्ट है, मिजोरम के स्टार्ट है, मौलाना आज़ाद उर्दू यूनिवर्सिटी के स्टार्ट आई थिंक आज हो जाने चाहिए, मणिपुर यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं, महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं। महात्मा गांधी जस्ट लाइक ये जो भी कॉलेज है इसका देखते हैं, इसका रिस्टार्ट हुए कि नहीं हुए। तो गाइस ये देख सकते हो यहाँ पे परिवेश का ऑप्शन आपको दिख रहा है, इस पे जैसे आप क्लिक करते हैं तो आपको जो है एक नई विंडो पे लेके जाएगा। तो यार यहाँ पे देख सकते हो रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग अभी तक जो ये अपडेट आया है, रजिस्ट्रेशन यहाँ पर भी गाइस स्टार्ट हो चुका है, हालांकि यहाँ पे ज़्यादा कुछ अपडेट नहीं आई है रिगार्डिंग द एडमिशन। उसके बाद हम आगे अगर बढ़ें सेंट्रल यूनिवर्सिटियों में, जेएनयू की अगर अपन बात करें रजिस्ट्रेशन की, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जेएनयू के रिगार्डिंग अभी तक तो मेरे पास अपडेट नहीं आया इसके रिगार्डिंग। आपको अगर कुछ मिलता है तो आप मुझे ज़रूर बताइए। काफ़ी सारे यार ऐसे बच्चे हैं जिनको पता नहीं है कि भैया हमें कैसे एडमिशन लेना है, क्या करें क्या नहीं करें, तो वो जो है मेरा सी यू टी एडमिशन गाइडेंस प्लान ज्वाइन कर सकता है, जिसके अंदर जो हमारी टीम पूरी हेल्प करती है टू गेटिंग द एडमिशन। इंडिया के अंदर सबसे कम प्राइजेस के अंदर आपका एडमिशन ओनली फॉर 2000 2000 रुपये के अंदर आपका सी यू टी का कंप्लीट एडमिशन कंप्लीट करा दिया जाता है। तो आप लोग जो है उसमें ज़रूर से एनरोल कर सकते हो, गूगल फॉर्म का लिंक नीचे दिया गया है। अगर आप जस्ट लाइक आपको अगर काउंसलिंग वगैरह में हेल्प चाहिए तो आप जस्ट जो भी काउंसलिंग सपोर्ट या फिर मिशन गारंटेड एडमिशन प्लान में भी एनरोल कर सकते हैं। जामिया के रजिस्ट्रेशन काफ़ी दिनों से चल रहे थे, इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी का स्टार्ट है, हेमवती गढ़वाल यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं, गुरु घासीदास के स्टार्ट हो गए हैं, हरी सिंह गौर के स्टार्ट है, तमिलनाडु के स्टार्ट है, साउथ बिहार के 25 लास्ट डेट है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान की 10 अक्टूबर लास्ट डेट है, उड़ीसा की 25 आई थिंक 2 अक्टूबर लास्ट डेट है, केरला के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है, कश्मीर के स्टार्ट है, कर्नाटका के स्टार्ट है, झारखंड के स्टार्ट है, जम्मू के स्टार्ट है, हिमाचल के स्टार्ट है, हरियाणा के भी स्टार्ट है, गुजरात के स्टार्ट है, इसके आंध्र प्रदेश का के चल रहे हैं अभी, जो आंध्र प्रदेश ट्राइबल के भी चल रहे हैं अभी, बीएचयू का पोर्टल स्टार्ट हो चुका है, सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी की तरफ से अपडेट नहीं है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी के स्टार्ट है, असम यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रेशन की अगर अपन बात करें सी यू टी के बेसिस पे, तो इसका भी देख लेते हैं क्या सारा सीन है। तो यार आप लोग जो है सी यू टी एडमिशन गाइडेंस प्लान भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका गूगल फॉर्म का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया, जिसके अंदर आपकी जो भी 1-to-1 प्रॉब्लम्स है वो सोल्व की जाती है, आपको कैसे फॉर्म फिल करना है, आपको कौन सा इंस्टीट्यूट मिलेगा, इसके बेसिस से आपके मार्क्स के बेसिस पे आपको सी यू टी में एडमिशन मिलेगा या फिर आपको कहीं बाहर और ढूंढ लेना चाहिए, सारे के सारे आपके जो डाउट्स है वो क्लियर किए जाते हैं। साथ में जो है 24 आवर्स जो है फ़ोन सपोर्ट प्लान अवेलेबल है, तो आप कभी भी कॉल भी कर सकते हैं वॉइस, ठीक है। तो यार अभी तक जस्ट लाइक यहाँ पे नहीं दिख रहा मुझे कुछ रिगार्डिंग द एडमिशन प्रोसेस की क्या सारा सीन है, 1 सेकेंड। तो प्यारे बच्चों यार आसाम यूनिवर्सिटी की तरफ से अभी तक कोई भी अपडेट नहीं है रिगार्डिंग द एडमिशन, जैसे स्टार्ट होता है आपको ज़रूर से अपडेट किया जाएगा।
इसी के साथ गाइस थैंक यू सो मच। अगर आप एडमिशन सच में लेना चाहते हो सीईटी कॉलेजों में तो मेरा गाइडेंस प्लान ज्वाइन कर सकते हो। इसका गूगल फॉर्म का लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। और ऑल आई थिंक सारे के सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटियों की अपडेट हमने जान ली सिर्फ 5 मिनट के वीडियो के अंदर। तो अब आगे दस देखते हैं। ऑलमोस्ट एवरेज कॉलेजों का रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट जो है 25 ऑफ सेप्टेम्बर है गाइस, ठीक है। थैंक यू।